हेलो गाइस, वेलकम टू क्रैकम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। तो फ्रेंड्स, आज आम डिस्कशन करवा 2 जनवरी 2022 डेली करंट अफेयर एमसीक्यू। तो चलो देखा आज कौन सब क्वेश्चन रही है। पूर्व थर क्वेश्चन आपको पचराई द यारलुंग जांगपो रिवर इन इंडिया इज नोन एज। तो यारलुंग जांगपो जो रिवर अच्छे इंडिया ब्रह्मपुत्र कहु आ ब्रह्मपुत्र रिवर मुख्यतः बाहर कौटे चेमयांगदुंग ग्लासीयर। चेमयांगदुंग ग्लासीयर जो अच्छी यू बाहर तिब्बत रु बाहर आ इंडिया रेटा अरुणाचल प्रदेश देकर एंटर कर अरुणाचल प्रदेश स्टेट देकर हुई स्टेट हेज नेमड ए न्यू रोड एज नरेन्द्र मोदी मार्ग। तो नरेन्द्र मोदी मार्ग बोली गोटे न्यू रे गोटे रोड टाक नेम कराई तो यहाँ क्यों स्टेट रही तो मन रखी यहाँ है सिक्किम्रे। सिक्किम्रे जे गवर्नर अच्छा गंगा प्रसाद सी तर गोटे सिक्किम्रे गोटे जगह जोटा कि रोडटा जो अच्छे से काबी लुंगछक फ्रम क्यांगसाल क्योंगसाल ठू काबी लुंगछक गोटे मैं जग रोडटा अच्छे जोटार गोटे कहला कि जवाहरलाल नेहरू मार्ग बोली कहला तो सेटा को एवं रिनेम कराई नरेन्द्र मोदी मार्ग बोली रखाला से रोड नाटा को यहाँ को नेम किए गले सिक्किम्र गवर्नर गंगा प्रसाद। सिक्किम्र सीएम होती प्रेम सिंह थमांग। रिसेंटली क्विंटन डिकॉक अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट ही बिलोंग्स टू व्हिच कंट्री। तो क्विंटन डिकॉक तो जानते हैं आप ये जन होती विकेट कीपर देखिपे तो ये होती साउथ आफ्रिकार जन प्लेयर आपको मात्र 29 इयर्स ही किंतु से रिसेंटली माने सडनली से रिटायरमेंट घोषणा करते टेस्ट क्रिकेट रु पर्सनल माने पर्सनल फैमिली सह टाइम स्पेंड कर रिजन देकर से टेस्ट क्रिकेट रु रिटायरमेंट घोषणा करते और टोटाल टा एपर् 54 टेस्ट खेल जारी 3300 रन कर तो मन रखी थे क्विंटन डिकॉक होती साउथ आफ्रिकार आईपीएल रे वर्तमान पर्यटन एक मुंबई तरफ मुंबई इंडियंस तरफ खेलते। हु बिकम इंडियाज न्यू अंबासीडर टू यूएन कन्फरेन्स अन् डिसआर्मामेंट। तो डिसआर्मामेंट जो यूएन कन्फरेन्स अन् डिसआर्मामेंट आर अर्थ कौन ना जो प्रति कंट्री जो तक सब वेपन गोला बारूद केमिकाल वेपन सब जा करा कि मैंने बहुत ही हानिकारक प्रकृत में तो से जाकू केमी कौन कर रिडक्शन कराईपर तो यूनाइटेड नेशन डे कन्फरेन्स हो प्रति वर्ष पत्थर ही था प्रति देश केमी निजर जी जो वेपन से तैयारी कर मिसाइल वेपन से कमा कमापर धीरे धीरे तो इंडिया तरफ एवं यूनाइटेड नेशन का आंबासीडर किए होती अनुपम रे अनुपम रे वर्तमान जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर अच्छी तार जे जॉइंट सेक्रेटरी भाव काम करते तभी से जेनेवा को पल यूनाइटेड नेशन को जोटे आर से इंडिया रा ब्रांड एम्बेसडर भाव से रिप्रेजेंट करिए। समिति मन रखी थे कैलाश सत्यार्थी नोबेल लॉरेट जहाँ को जहाँ नोबेल मिली तो सी रिसेंटली एसडीजी सॉरी यूनाइटेड नेशन एसडीजी एडवोकेट भाव अपॉइंट कर दे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो अच्छी गोल तो एसडीजी एडवोकेट भाव अपॉइंट कर कैलाश सत्यार्थी को। व्हिच यूनिवर्सिटी बैग्ड नेशनल अवार्ड फॉर ब्रीड कंजर्वेशन। तो ब्रीड कंजर्वेशन अर्थ मुख्यतः ब्रीड मान को संरक्षण दिहाँपर रिसर्च कर डेवलपमेंट विकास तो यहाँ मिली क्या को ना KVASU यूनिवर्सिटी अर्थात केरला वेटरनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी जो अच्छी अवार्ड दिखाई कारण सी गोटे चिकेन जो ब्रीड अच्छे जहाँ नाम हो तेलीचेरी ब्रीड तो ये चिकेन जो ब्रिडटा ताको केमी कंजर्वेशन कराईपर तक संख्या बहुत कमी जा तो से रिसर्च करथ्वरूक अवार्डटा मिली जोड़ा अच्छे केरल यूनिवर्सिटा केरल वेटरनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी। तो केरल विषय आई तो आउ गोटे इंपोर्टेंट मन रखीदे केरल या इंडिया फास्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल ये अच्छी तो यह मन रखी आउ समिति जदि पचरा पड़ा मन को इंडिया फास्ट जो स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी अच्छी तो स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी अच्छी फास्ट फास्ट थर पर कौटी ना आसाम आसाम दारंग डिस्ट्रिक्ट तो यह मन रखी थे आसाम दारंग डिस्ट्रिक्ट तार फास्ट स्किल यूनिवर्सिटी।
व्हिच कंट्री विल चेयर द काउंटर टेररिज्म कमिटी ऑफ यूएनएसए। तो यूनाइटेड नेशन जो काउंटर टेररिज्म हम आ काउंटर टेररिज्म जो कमिटी यहाँ को 1973 टेररिज्म उपरे डिस्कशन होती सब कंट्री मान यूनाइटेड नेशन रो। तो ए वर्ष जो यहाँ को चेयर कर तो यहाँ चेयर कर इंडिया इंडिया चेयरपर्सन हम काउंटर टेररिज्म कमिटी। हु विल गेट द चार्ज एज डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल बा जेडा को कहो छी एसएसबी 1963 रही फॉर्मेशन एसएसबी न्यू दिल्ली हूँ हेडक्वार्टर। तो आर अभी डायरेक्टर जनरल भाव किए नहीं गले तो मन रखी आंकर नाम हो संजय अरोरा। एबे जस्ट ही रिटायरमेंट हेले कुमार राजेश जो चंद्रा अच्छा ये एबे डायरेक्टर जनरल थे एसएसबी रो। तो रिटायरमेंट पर संजय अरोरा को आंकर डायरेक्टर जनरल कहींपर एसएसबी रो चीफ हो गले संजय अरोरा। आउर आउ गए इंपोर्टेंट मन थे संजय अरोरा जो अच्छा ये आईटीबीपी रो इंडो तिब्बतियन बॉर्डर जो पुलिस फोर्स अच्छी तो आईटीबीपी रो ये डायरेक्टर जनरल बा चीफ अच्छा। तो आंखे एडिशनल चार्ज आवरी मिल जाला एसएसबी रो ये डायरेक्टर जनरल हो गले। अरविंद कुमार से मन रखी थे ये हूँ आम आईबी चीफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। हु हैव बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इजी माय ट्रिप। तो इजी माय ट्रिप देखु थे इट्स जॉर्जियन चेयर इन एयर मैंने मुझे तो फ्लाइंग जो करियारे एरोप्लेन जी आसपा इजी माय ट्रिप। तार ब्रांड एम्बेसडर होती बॉलीवुड दुई जन एक्टर विजय राज आउ वरुण शर्मा। विजय राज आ वरुण शर्मा आप दुई जन को अपॉइंट कराई इजी माय ट्रिप ब्रांड एम्बेसडर। आमती इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन गोटे मन रखी थे एनबीए माने होची नेशनल बास्केटबॉल जो एसोसिएशन अच्छे आमर तो सी रणबीर सिंह को निजर ब्रांड एम्बेसडर भाव अपॉइंट करा क्वेश्चन ना बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आमित दीपिका पादुकोण मन रखी थे आडिडास दो अच्छी सी निजर ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर भाव अपॉइंट कर दीपिका पादुकोण को वुमेन मान को स्पोर्ट्स क्षेत्र में बढ़ावा। व्हिच इंस्टीट्यूट टॉप्ड इन द एआरआर एआरआईआई ए रैंकिंग 2021। तो एआरआईआई माने अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। तो आर रैंकिंग हिसाब से सब जो टॉप है इंस्टीट्यूट हिसाब से सी होची आईआईटी मद्रास तापर अच्छी आईआईटी मुंबई आईआईटी बॉम्बे अच्छी तापर। तो मन रखते सब जो टॉप है किए आईआईटी मद्रास मैंने ए बर्षर सबुठ जो इनोवेशन अचीवमेंट इनोवेशन किए अधिक कर तार डिफरेंट कैटेगोरी अच्छे आईआईटी जो ये टॉप है ये टेक्निकल कैटेगोरी टॉप है नेशनल इंपोर्टेंस क्षेत्र में टेक्निकल क्षेत्र में सेमती जदि हम कह यूनिवर्सिटी क्षेत्र में किए टॉप है तो आईआईटी तो सब टॉप है तेनाली इंपोर्टेंट मन रखिए कि यूनिवर्सिटी टॉप किए है पंजाब यूनिवर्सिटी जोटा अच्छे चंडीगढ़ में। आमती प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्षेत्र में किए जब टॉप है पचरा हम ये कौन ना कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी जोटा अच्छी आम खोर्धार यहाँ जेहतु ओडार तो ओडार एग्जाम ये बहुत इंपोर्टेंट रही प्राइवेट रे जदि पचरा हम तो सीटा अच्छे कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी सब टॉप्रे अच्छे। अवार्ड से मन रखी थी रिसेंटली बाहर था गोटे अवार्ड मोस्ट इनोवेटिव आईआईटी गोटे रैंकिंग बाहर था जोटा कि आमर सीआईआई कार्ड था कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री गवर्नमेंट अधीन जोड़ा कार्ड हो तो ताइरे सब जो ए बर्ष यूनिवर्सिटी इनोवेटिव किए थी आईआईटी रुर्की थी उत्तराखंड। हु हैज इनॉग्रेटेड द बिना पांकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट। तो बिना हूँ जोटा कि एमपी मध्यप्रदेश अच्छी पानकी अच्छे यूपी कानपुर रे तो यहाँ को लिंक कर देखिपे गोटे रिफाइनरी जहाँ बिना रिफाइनरी इन पचारिपर बिना रिफाइनरी कौट अच्छे तो एमपी अच्छी पानकी रिफाइनरी यहाँ अच्छी यूपी कानपुर पाखे तो आप जॉइंट कर गोटे प्रोजेक्टा पूरा लंच हो पाइपलाइन टाक लंच कर पीएम मोदी रिसेंटली लंच कर पाइपलाइन मैंने टोटाल जो या कैपेसिटी रोक 45 मिलियन मेट्रिक टन्स जहाँ कि टोटाल खर्च हो 1524 कोटी टाँह। तो यह सहित से आ
कानपुर रो मेट्रो रेल लोक प्रोजेक्ट मध्ये गोटे चलता जोटा कि 32 किमी लेंथटा हो तार से कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को मध्य पीएम मोदी इनॉग्रेट कर तार लेंथ हूँ 32 किमी कॉस्ट है तेरे टोटल खर्च जो हो 11,000 कोटी टंका। हु इज द फास्ट क्रिकेटर टू प्ले 100 मैचेस इन ऑल 3 फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट तो यहाँ भी मन रखी ये प्रकृत में इतने पचराला जे कारण इम्पोर्टाट ए प्रकार इम्पोर्टाट हो पार आटार जो आंसर होचे सी होचे रॉस टेलर आउ ए क्वेश्चन जो ये आसला जे कारण ये रिसेंटली मैंने क्रिकेट कैरियर रु इंटरनेशनल क्रिकेट रु अनाउंसमेंट घोषणा कर देखते तो आर ये जो रिकॉर्डटा अच्छे केवल आंकर नाँ अच्छे ये फास्ट क्रिकेटर जी तीन डा फर्माट्रे अर्थात टेस्ट T20 आउ ODI तो तीन जाक मैच रे 100टा 100टा पर लेखे मैच खेल देखो पूर्व ये किए ले मैंने किए खेल नथिले तो मन रखिए रॉस टेलर होती मैंने फास्ट क्रिकेटर जी तीन जा फर्माट्रे 100टा पर लेखे मैच खेल ये को कंट्री बिलंग कर तो ये हूँ न्यूजीलैंड प्लेयर ये कैरियर ये टोटल 111टा टेस्ट 233टा ODI और 102टा T20 खेल सचिन तेंदुलकर मन रखिए से मैंने ओडीआई रे हाईएस्ट नंबर खेल सहित मानते टेस्ट रे भी सबुठ अधिक मानते 200टा टेस्ट खेल जोटा कि अगर किए खेलनी इंटरनेशनल किंतु T20 समय ना तो से केवल गोटे ही T20 खेल सचिन तेंदुलकर तेनाली जो रैंकिंग ये जो पचरा हो 100 मैच सबू जहाँ फर्माट्रे यहाँ ना हम रॉस टेलर तो आज क्वेश्चन होगी आपण मैं व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया शेयर्स बॉर्डर विथ नेपाल भूटान और चाइना तीन जगह कंट्री सहित इंडिया रो क्यों स्टेटा तार बॉर्डर शेयर करार आंसर कमेंट सेक्शन निश्चित भाव जानतु तो फ्रेंड्स आज ये पुणी देखा आगाम भिडियो जदि भिडी भल लगी निश्चित भाव लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूँ।